वाइड है मैं इधर देखिए या चलो रोलिंग मेरा नाम प्रिंस है और मेरे कैरेक्टर का नाम और बहुत अच्छा लगा मूवी करके चलो बड़े आगे ना भी आगे थोड़ा किरदार के बारे में बताइए नहीं बड़े आराम से नो प्रॉब्लम डोंट वरी बहुत अच्छा लड़का बहुत अच्छा मंडी सर थोड़ा कैमरा इधर करो कैमरा कैमरा आ रहा है आपका सीधा सबके साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगा सब एकदम सपोर्टिंग थे और अगर मुझे कुछ होता था तो पूरा शूटिंग रोक देते थे और आर्यन भाई के साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा अच्छा आर्यन जी आप बताइए सबसे पहले तो पोस्टर आज पोस्टर लॉन्च पे बहुत बहुत आपको बधाई हो पोस्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है और फिल्म भी फेस्टिवल में काफ़ी अच्छा है कि समथिंग अबाउट द फिल्म द पोस्टर एंड योर कैरेक्टर बताइए मेरा भी जो भी कैरेक्टर जो है उसमें सारा एक बच्चा होता है चले गए रोल प्ले किया है तीर्थ ने बहुत अच्छा प्ले किया है रुद्रा छोटा रुद्रा ये बड़ा रुद्रा मैं बहुत अच्छा लगा तीर्थ के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा जो स्क्रिप्ट लिखी बचपन था कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो आई डोंट नो मेरे को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए बट कहीं ना कहीं एक ग्रुप जो है जो डायरेक्टर साहब ने लिखी है सच बोलूँ तो अपने बेस लेके स्टोरी है ट्रू स्टोरी है ये जो रोल प्ले किया थी उसने बहुत बहुत अच्छा किया वो मेरे को पूछता था मैं भी पूछता मिल जाता तो फिर उसके साथ में मैं भी उसकी एक्टिंग करता था काफ़ी अच्छा लगा सबके साथ काम करिए सपोर्टिंग करते हैं बहुत अच्छा काम किया बेटर से भी उसमें सर ने बहुत अच्छा काम किया ऋतु पांडे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पहली मूवी थी बट नो डाउट अच्छा काम किया आर्यन फिल्म में हीरोइन नहीं है थोड़ा दुख हो रहा है उस बात नहीं नहीं देखो हीरोइन की उसका जो कैरेक्टर इतना अच्छा मिला अपना चेहरे की था वो मेरे लिए हीरोइन था अच्छा तो मेरे को उसको एंजॉय करने में ज़्यादा मजा आता है अलग की मैं हीरोइन को एंजॉय कर थैंक यू समथिंग कुछ थोड़ा बताने चाहोगे कि किस तरह की क्या फिल्म है एग्जैक्टली तो ये बेसिकली एक मैसेज है एक बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार के ऊपर ये मूवी है पूरी डोमेस्टिक वायलेंस भी बोल सकते हैं मैं पूरा नहीं खोल सकता क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड मूवी है अगर मैं पूरा खोलूंगा तो वो आप एक बार देखो पूरा देखो और आपको बहुत पसंद आएगी अच्छा म्यूजिक के बारे में लाभ कुछ क्या म्यूजिक कैसा है म्यूजिक इसका नो डाउट बहुत अच्छा है शकील भाई बहुत अच्छे शायर भी हैं उनके लफ्ज़ जो होते हैं वो बहुत मीनिंगफुल होते हैं जो वो लिखते हैं बड़ा मीनिंगफुल लिखते हैं उन्होंने एक वर्ड जो लिखा है कि गाना जो लिखा है बड़ा मीनिंगफुल है कि दर्द बयां करता है पूरे कैरेक्टर का चाहे आप बेदाद का टाइटल ट्रैक सुनो या जो भी उसके लिए मैंने दो गाने गाए हैं मतलब ने गाने गाए अब वो चारों गाने इतने मीनिंगफुल गाने हैं बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं और कौशल मागिन ने भी उनको बहुत अच्छा सराहा बहुत अच्छा कंपोजिशन करी है और ओवरऑल मतलब अच्छा लगा काम करके चैलेंजिंग काम था कि करेक्ट प्ले करना सडनली साइको होना बच्चा बनना मैच्योर होना रिवेंज वो सब कुछ करना तो बड़ा चैलेंजिंग था और मेरे को सपोर्ट करता हमेशा टीम सपोर्ट करता रहा क्योंकि बहुत अच्छे एक्टिंग कर रहा था ओके थैंक यू सो मच